नागरिकता संशोधन बिल लोकसभा के बाद अब राज्यसभा से भी पास हो गया है। राज्यसभा में वोटिंग हुई, बिल के समर्थन में 125 वोट पड़े जबकि बिल के विरोध में 105 वोट पड़े। संसद से बिल पास होने के बाद अब इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद ये कानून बन जाएगा। आज दोपहर 12 बजे राज्यसभा में इस बिल को गृह मंत्री अमित शाह ने पेश किया था। आज राज्यसभा में नागरिकता संशोधन बिल पर चर्चा हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने भरोसा दिया कि ये मुस्लिमों के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि देश में रह रहे मुस्लिमों को बिल से डरने की जरूरत नहीं है। आपके ही लोग कहते हैं डर है, डर है, डर है। मैं कभी नहीं कहता कि डरो, डरना भी नहीं चाहिए। इस देश के गृह मंत्री पर सबका भरोसा न होना चाहिए और मैं कहता हूँ माइनॉरिटी को जरा भी चिंता मत करो। कांग्रेस ने बिल को संविधान की मूल भावना पर हमला बताया। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा बिल लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ है। विरोध के कारण राजनीतिक नहीं संवैधानिक नैतिक है। आई एम कन्विंस्ड दैट द बिल दैट यू हैव ब्रॉट इज एन असॉल्ट ऑन द वेरी फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। गृह मंत्री अमित शाह ने विश्वास दिलाया कि असम के लोगों के साथ अन्याय नहीं होगा। उन्होंने कहा सरकार असम समझौते का पालन करेगी। गृह मंत्री ने सदन को जानकारी दी कि असम में क्लॉज 6 के लिए कमेटी बनाई गई है। राज्यसभा में नागरिकता संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने देश के बंटवारे पर कांग्रेस से सवाल किए। उन्होंने पूछा कांग्रेस ने धर्म के आधार पर विभाजन क्यों स्वीकारा। उन्होंने कहा पूरा देश जानता है देश का बंटवारा जिन्ना और उनकी मांग की वजह से हुआ था। पूरा देश जानता है कि विभाजन का कारण जिन्ना जी थे और इनकी मांग के आधार पर देश के टुकड़े हुए थे। मगर मैं इतना ही पूछना चाहता हूं कि किसी भी ने विभाजन की मांग की, कांग्रेस पार्टी ने इसको स्वीकार क्यों किया। गृह मंत्री अमित शाह ने वीर सावरकर पर दिए गए कांग्रेस नेता आनंद शर्मा के बयान का भी जिक्र किया। आनंद शर्मा ने आरोप लगाया था कि सावरकर की अध्यक्षता में हिंदू महासभा ने टू नेशन थ्योरी के प्रस्ताव को पास किया था। टू नेशन थ्योरी जो बंटवारे की है वो कांग्रेस ने नहीं लाई मान्यवर, 1937 में अहमदाबाद में हिंदू महासभा ने प्रस्ताव पारित किया था। उसकी अध्यक्षता सावरकर जी ने की थी। 1938 में एक साल के बाद मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ, उसमें पार्टीशन ऑफ इंडिया रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर पाकिस्तान जैसी भाषा बोलने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी सांसदों से कहा कि नागरिकता बिल पर कुछ लोग पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। सरकार के लिए 6 महीने का समय ऐतिहासिक रहा है। नागरिकता संशोधन विधेयक स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। शरणार्थियों के दर्द और आवाज को सुनने की जरूरत है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद इस मुद्दे को सही तरीके से जनता के बीच न ले जाने के लिए सांसदों से नाराजगी जताई। पीएम ने सांसदों से कहा कि उन्होंने 70 साल की वेदना को 70 घंटे में भुला दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी सांसदों को नसीहत देते हुए कहा कि नागरिकता संशोधन बिल को लेकर ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। ऐसे में जागरूकता फैलाने की जरूरत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और पाकिस्तान की बोली एक होने की बात राज्यसभा में कही। मेरी कई बार समझ में नहीं आता, मैं कांग्रेस के नेताओं का बयान सुनता हूँ, शायद कोइंसिडेंट ही होगा, कोई इरादे में कमी नहीं होगी, परंतु कांग्रेस के नेताओं के बयान और पाकिस्तान के नेताओं के बयान कई बार घुल मिल जाते हैं। नागरिकता संशोधन बिल के खिलाफ पूर्वोत्तर राज्यों समेत देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। सबसे ज्यादा हिंसक झड़प असम में देखने को मिली। दिसपुर में प्रदर्शनकारियों ने एक बस में आग लगा दी। गुवाहाटी में प्रदर्शनकारियों ने कई जगह तोड़फोड़ और आगजनी की। हालात काबू में करने के लिए पुलिस को वाटर कैनन और आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल करना पड़ा। गुवाहाटी में हालात को देखते हुए कल सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। राज्य के 10 जिलों में इंटरनेट सेवा को शाम 7 बजे से अगले 24 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है। असामाजिक तत्व विभिन्न तरह के तोड़फोड़ में लगे हुए हैं, गाड़ियां जला रहे हैं, तो इसीलिए हमें ये कर्फ्यू इम्पोज करना पड़ा है। 6:15 से हमने कर्फ्यू इम्पोज किया है और ये अनिश्चितकालीन है जब तक कि शांति बहाल न हो जाए। दिल्ली में यूथ कांग्रेस ने कांग्रेस मुख्यालय से लेकर संसद तक मशाल मार्च निकाला। बिल के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुंबई, कोलकाता, भोपाल, चेन्नई में प्रदर्शन किया।
अयोध्या मामले में दायर पुनर्विचार याचिकाओं पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। 5 जजों की बेंच दोपहर 1:40 पर इन चैम्बर सुनवाई करेगी। चीफ जस्टिस एस ए बोबडे, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस एस अब्दुल नजीर के साथ जस्टिस संजीव खन्ना सुनवाई करेंगे। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के रिटायर होने की वजह से जस्टिस संजीव खन्ना उनकी जगह लेंगे। 5 जजों की बेंच तय करेगी कि पुनर्विचार याचिकाओं पर ओपन कोर्ट में सुनवाई की जरूरत है या नहीं। ओपन कोर्ट में अगर सुनवाई हुई तो सभी पक्षकारों को दोबारा सुना जाएगा, लेकिन अदालत ने यह तय किया कि ओपन कोर्ट में सुनवाई की जरूरत नहीं है तो पुनर्विचार याचिकाएं कल ही खारिज हो जाएंगी। 9 नवंबर को अयोध्या केस में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच का फैसला आया था, जिसमें विवादित जमीन रामलला को देने और मस्जिद के लिए अयोध्या में 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया गया था। इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्षकारों की ओर से पुनर्विचार याचिकाएं दायर की गई थी।